आगे हम आप चलते हैं वन बाय वन। पहले ग्रेटिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि पहले यही है। वैसे ग्रेटिंग किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं? ग्रेटिंग किसको बोलते हैं? ग्रेटिंग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब बहुत सारा लड़का सब, आज मैं पहली बार आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत सारा लड़का सब सोचता है ग्रेटिंग करने से पहले टाइम देखो तो 12 बजे के बाद है कि 12 बजे के पहले है। अरे पहले बार नहीं देखना, इसी आदमी से पहली बार मिले हो ना तो शाम में भी मिले हो ना तो गुड मॉर्निंग बोल देना, और अपने आप महसूस होगा रही तो शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग बोल देना। अगर 12 बजे के आसपास अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 12 बज के 1 मिनट हो रहा है कि 12 बजने में 1 मिनट बाकी है तो आप गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। ये कन्फ्यूज नहीं करेंगे, ग्रीटिंग बाद में घर ही पहले देखें, ये नेगेटिव पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रीटिंग आप वक्त के हिसाब से करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट से ये फील होता है कि समथिंग हम मान लेते हैं, सलाम वालेकुम नहीं बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोलेंगे नाइटी नाइट। क्या बोलेंगे? पहली बार आप सीख लीजिए कि अगर किसी को पहली बार रात में फोन करेंगे तो नाइटी नाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइटी नाइट। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कुछ चीजें, हर चीज दिमाग के भरोसे मत छोड़िए, कुछ चीजें हाथों के भरोसे भी रखिए, क्योंकि कंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा लोग जब करता है किसी बात को तो ज्यादा दिन तक टिकता है, मेमोराइज होता है। उसी तरह अपने दिमाग को दिया, आंख को दिखाया, कान को सुनाया और हाथ को भी प्रैक्टिस दीजिए तो आपको ज्यादा दिन तक रहेगा। और कंक्लूडिंग दिमाग, कई लोग मिलकर जब कंक्लूड करता है किसी बात को तो वो ज्यादा सत्य होता है और ज्यादा सही होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो आज जो है ग्रीटिंग्स पे हम चलते हैं। तो ग्रीटिंग्स इट्स माय फर्स्ट स्टेप्स है, फर्स्ट पॉइंट है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो फॉर ग्रीटिंग, अगर फॉर इंटरव्यू के लिए अगर आपका ग्रीटिंग है, फॉर इंटरव्यू अगर आपको इंटरव्यू के लिए है तो आप क्या क्या करेंगे? गुड, अब यहां से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून मैं लिख दे रहा हूं यहां आफ्टरनून, फिर अब लिख करके इधर ही लिखता हूं गुड आफ्टर, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, इवनिंग हो गया। ठीक है, तो कोशिश क्या रखेंगे और फिर उसके बाद आपके ग्रेटिंग करने के बाद क्या बोलेंगे? हेलो सर। उसके बाद ग्रेटिंग के बाद क्या बोलेंगे? हेलो सर, हेलो सर, मैडम, मॉम, और या फिर ये तो सिंगल सिंगल हुआ। अगर किसी पब्लिक मीटिंग में है तो हेलो एवरीवन कहेंगे, एवरीवन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एवरीवन। ठीक है, तो हाय हेलो हम तो मना ही कर दिए थे आपको, तो ये आपका इंटरव्यू का पहला वर्ड आपको हो गया गुड मॉर्निंग, हेलो सर, मैडम। अभी इंटरव्यू का पहला वर्ड आ गया। ग्रीटिंग से कहाँ से आया ये? ग्रीटिंग से। तो अब ग्रीटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? कोई आपको बोलेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको बोलने का मौका दिया है, कोई अगर आपको भारी मीटिंग में या इंटरव्यू में बोलने का मौका दे रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी है ना आपके लिए कि आपको बोलने का मौका दिया तो आप थैंक यू बोलेंगे नहीं उसके लिए। तो इसके जस्ट बाद, इस सेंटेंस के जस्ट बाद, इस जस्ट बाद थैंक देम करेंगे। थैंक देम, आप थैंक देम करेंगे तो थैंक देम कैसे करेंगे? तो थैंक देम में लिखेंगे, थैंक देम में तो पहला लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, ये सब लिखते भी जाइए आप लोग, आपके इंपॉर्टेंट है, हम मेहनत किए हैं, आप लोग थोड़ा सा उतारिए अपने लिए, वेरी मच थैंक यू, वेरी मच फॉर गिविंग मी, फॉर गिविंग मी
एन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस myself. क्या बोलेंगे आप? थैंक देम में क्या बोलेंगे? तो ये सेंटेंस आप बोल देंगे, बोलेंगे तो पहला आपने क्या बोला, पहले क्या बोला था आपने ग्रीटिंग में? क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, हेलो सर, मैडम. फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ठीक है, ये वर्ड आप लोग रट लीजिए इसको. अब हम लोग होंगे हैं एजेड आदमी, है ना, आप लोगों के लिए फ्लुएंटली नहीं निकलेगा. बोल तो लेंगे, तब रुक रुक के वाजपेयी जी की तरफ बोलेंगे थोड़ा रुक रुक के. मीडिया वाले परेशान हो जाते थे वाजपेयी जी बोलते थे, जब एक वर्ड के बाद लगता है आप खत्म हो गया, और देख रहा अरे वाह 40 सेकंड बाद दूसरा वर्ड निकला. तो ऐसे ही बोलते थे वाजपेयी जी हमारे. तो अगर आप सोच रहे हो इतना नहीं हो पाएगा हमसे, तो आप जो है बस इतना बोल दीजिए, थैंक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. तो अगर आपको ये नहीं हो पा रहा तो ये वाला बोल दीजिए, थैंक्स फॉर यहां वस एस लगा हुआ है, याद रखिएगा, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक. उसके बाद जो है अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है छोड़ दो, है ना, थैंक देम नहीं करने की जरूरत है. अगर आपको कुछ देने की, कंजूस आदमी हो नहीं दे सकते कुछ, मत देना, छोड़ देना, है कंजूसों को भी तो रहना है दुनिया में. ठीक है, उसके बाद आप तीसरा पॉइंट क्या है आपका, नेम. तो नेम कहने का एक जो इंटरव्यू में बता रहा हूँ, है ना, एक जो इंटरव्यू में आपको बता रहा हूँ, कभी भी नाम बताना तो माई सेल्फ का यूज कभी नहीं करना, बहुत नेगेटिव पड़ता है. एक बार मेरे सामने एक इंटरव्यू देने वाला लड़का आया था, माई सेल्फ इज फलना बोला ना, मैं बोला इसको हटाओ यार, इसको बोल नहीं लिया था. तो माई सेल्फ कभी नहीं बोलना इंटरव्यू में, बहुत नेगेटिव पड़ता है. तो अपने आप को नाम बताने का क्या है, बोले कि आई एम मोहम्मद जफर हुसैन, आई एम मोहम्मद जफर हुसैन, या फिर दूसरा बोलेंगे माई नेम इज जफर हुसैन, माई नेम इज जफर हुसैन. तो क्या बोलेंगे, आई एम डैश, तो आई एम. ठीक है, तो कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोलेंगे. तो ये चीज एपी सिंह, जीएन सिंह, ये सब नहीं बोलेंगे, या एमजेड हुसैन नहीं बोलेंगे, मोहम्मद जफर हुसैन पूरा नाम बोलेंगे. और बहुत सारा बिहार का बच्चा सब ज़्यादा दिल्ली में इंटरव्यू देता है ना, बोलता है माई नेम इज एमडी सादिक, तो एमडी भी नहीं बोलना, तुम एमडी हो गया, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा मोहम्मद की जगह पे आपने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया था एमडी. तो आप दुनिया रिटेन फॉर्म में एमडी लिखिए, मगर बोलने में हमेशा पूरा मोहम्मद बोलना, मोहम्मद जफर हुसैन. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे. तो आप चाहे ये वाला सेंटेंस यूज करें, तो मैं लिख देता हूँ,